ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल को खुला चैलेंज मिला है। चैलेंज आखिर किसने दिया है? दरअसल चैलेंज देने वाली का नाम है नजमा। चैलेंज किया है शबनम ने, चैलेंज किया है नाजनीन ने। आखिर चैलेंज क्या है? रोक सको तो रोक लो। इनका दावा है कि ये राम की दीवानी है, अयोध्या में वो जाना चाह रखी है, बुरके में वो भगवा लहरा रखी है। और यही बात है, इसी को ही लेकर कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, कई मौलाना हैं, जिन्हें तकलीफ हो रखी है। यही चैलेंज अब इन नेताओं को ये सभी महिलाएं दे रखी हैं। पूरा भारत राम में हो रखा है, तो शबनम खान क्यों नहीं? और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। अल्लाह का इस्लाम मानिए, इन मुल्लाओं का इस्लाम मत मानिए। दिल्ली की शबनम खान, मुंबई की शबनम शेख, वाराणसी की नाज़नीन अंसारी और नजमा परवीन, और अलीगढ़ की रूबी खान, अलग अलग शहरों कस्बों की इन महिलाओं को वैसे तो कई चीजें एक दूसरे से अलग करती हैं, पर जो एक बात, जो एक नाम इन्हें जोड़ता है, वो नाम है राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये महिलाएं वैसे तो धर्म से मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानती हैं। इनका विश्वास जितना पैगंबर मोहम्मद पर है, उतनी इनकी आस्था प्रभु श्री राम पर भी है। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में शीश नवाने, रामलला के आगे मत्था टेकने की इनकी ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने कोई मुंबई से निकली है, कोई दिल्ली से, कोई बनारस से। मुंबई से अयोध्या के लिए चली शबनम शेख अपना 19 दिनों का सफर पूरा कर रही है। प्रभु राम ने जब उन्हें बुलाया तो भगवा ध्वज हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल गई। भोपाल से निकलकर शबनम अब मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंच चुकी है। शबनम का सफर जितना लंबा है उतना ही मुश्किल भी। कट्टरपंथी मौलानाओं से उसे धमकी मिल रही है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं, पर इन सब का शबनम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, जिन मुस्लिमों को सालों साल से राम मंदिर के नाम से डराया गया हो, बाबरी मस्जिद की कहानी सुना सुना कर उन्हें भरमाया गया हो, उन्हीं मुसलमानों में से एक बुर्का पहनी लड़की निकलती है, गले में जय श्री राम का पटका पहनती है और रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए चल देती है। देखिए, मैं तो बोलती हूँ हर मस्जिद में, हर मदरसे में राम जी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि राम जी एक बोलते हैं ना, इस धरती से जुड़े हुए, हर जगह इनकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर हिंदू जानता है मस्जिद क्या होता है, मौलाना क्या होता है, अल्लाह क्या है, नबी क्या है। तो अगर ये चीज़ें मस्जिद में भी बताया जाएगा उनके बारे में तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज राम धुन पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में राम धुन चल रहा है। शबनम शेख की तरह ही एक और शबनम दिल्ली से अयोध्या अपनी यात्रा पर निकली है। मंजिल अयोध्या है, मकसद भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करना है। शबनम खान यूपी के बदायूं तक पहुंच गई है। ठंड और घने कोहरे के बीच जो एक नाम शबनम को आगे चलते रहने की प्रेरणा दे रहा है, वो प्रभु श्री राम का है। शबनम का अयोध्या तक चलना, जहां भारत की धार्मिक एकता को मजबूत कर रहा है, वहीं उन कट्टर पंथियों के इरादों को कमजोर भी कर रहा है, जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बरगलाते आए। मैं कैसे बताऊं, सनातनी हिंदू जिनको हम लोग बोलते हैं, भाई आपको तो मैं सलाम करती हूं, इसलिए कि वो आप एक इंसान में भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेते हैं। इतने बुजुर्ग, इतनी बूढ़ी माए पैर छूती हैं, हमारे नहीं छू रही हैं वो, आप समझिए इस बात को, उनको प्रभु श्री राम नजर आते हैं। ये है सनातनी हिंदू, और एक तरफ ओवैसी जी हैं जिन्हें राम में भी राजनीति करनी है। तो मैं बोल रही हूँ हमेशा जो मैं कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानिए, इन मुल्लाओं का इस्लाम मत मानिए। शबनम खान असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे नेताओं को जवाब देती हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें ना तो भगवान राम स्वीकार थे और ना ही राम मंदिर स्वीकार है। अपने राजनीतिक एजेंडे चलाने की मजबूरी ऐसी है जिसने ना तो इन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने दिया और ना ही बाबरी मस्जिद को भूलने दिया। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तुमने, तुम्हारे
लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईद को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिसकियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। शबनम खान मुसलमानों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो ये मानता है कि बाबर ने प्रभु राम के मंदिर को तोड़कर वहां गलत तरीके से मस्जिद बनवाई। उन मुसलमानों का चेहरा है जो गलत इतिहास को सिरे से नकार रहा है। पूरा भारत राम में हो रखा है तो शबनम खान क्यों नहीं? देखिए, कोई किसी को भड़का नहीं सकता जब तक हम किसी के भड़काए में ना आए। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहती हूँ, स्पेशली किसी के भड़काए में मत आइए। राह एक ही है, उसे अल्लाह पाक कहकर चलिए या प्रभु श्री राम कहकर चलिए, बात एक ही है ना। बाहर नहीं निकलना, ये दंगा हो जाएगा, ऐसे डराते थे ये लोग हमें। राम मंदिर के नाम से डराया, कभी बाबरी मस्जिद के नाम से डराया। बाबर से हमारा क्या लेना देना? बाबर की मस्जिद यहाँ पर क्यों आएगी भाई? बाबर अपने वहां बनाता जहां भी बनानी थी उसको मस्जिद। मैं तो बोल रही हूँ कि सारे मुसलमानों को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो नहीं पहुंच पा रहे, दिल में है कि हम जाएं लेकिन जाने नहीं दे रहे ऐसे लोग। तो ये झंडा उन सबको डेडिकेटेड है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, जो भी भारत का निवासी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं पैदल चल के प्रभु श्री राम के सामने उन सब के लिए भी दुआ करूंगी। पूरा भारत राममय हो गया है तो शबनम खान क्यों नहीं? इस देश की असल आत्मा यही है, इसे सनातन की ताकत ही कहिए कि दूसरे मजहब और दूसरे धर्म को भी वो अपने में समा लेता है, उसे प्यार से गले लगाता है। शबनम खान और शबनम शेख की तरह ही वाराणसी की नाजनीन अंसारी और नजमा परवीन राम ज्योति लाने के लिए अयोध्या के लिए निकल गई हैं और राम ज्योति से वाराणसी के मुस्लिम परिवारों के घरों को रोशन करने की तैयारी है। हम लोग जो नफरत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफरत फैली हुई है, उस नफरत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। जहां एक ओर ये मुस्लिम महिलाएं प्रभु राम को अपना पूर्वज बता रही हैं, तो दूसरी ओर बद्रुद्दीन अजमल जैसे नेता भी हैं जिनका राम के नाम पर भड़काने वाला एजेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा। वो मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक घरों में बंद रहने को कह रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की यात्रा करने से मना कर रहे हैं। 20 तारीख का अगले 24-25 तारीख पड़ता है, ट्रेन है सफर पूरा भारत वर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति रखा हुई, रामायण मुक्ति रखा हुई, वही दिन तारा पूरा पृथ्वी देख 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 लाख लाख मानुष और भारत वर्ष तक तो गाड़ी बस ट्रेन स्पेशल ट्रेन सब বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়, বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দিনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু। साफ है कि बद्रुद्दीन अजमल डरे हुए हैं, खौफ ज्यादा हैं। उन्हें पता है अगर ये बांटने वाली पॉलिटिक्स नहीं की तो डर दिखाकर वोट बटोरने वाला उनका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। नाजरीन और नजमा की पैदल यात्रा ही उनके इस डर का कारण है। ऐसे कट्टरपंथियों, ऐसे नफरत फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों को मेरा यही संदेश है कि वो चाहे जितनी भी धमकी दे दें, चाहे जितना भी आतंक का माहौल बना लें या नफरत फैलाने का काम करें, मगर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार भगवान श्री राम के लिए काम कर रहे हैं, भगवान श्री राम के अपने पूर्वज मान रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, ये काम हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये अमन और भाईचारा मोहब्बत फैलाने वाला काम है। तो ऐसे लोगों को मेरा कड़ा संदेश है कि वो अपनी नफरत की दुकान, आतंक की दुकान चलाते रहे, हम लोग डरने वाले नहीं है।
मुसलमानों का